विधानसभा चुनाव मतदान के पहले कवर्धा की राजनीति में भाजपा को फिर से एक बार बड़ा झटका लगा है। दरअसल कवर्धा जिला साहू संघ के जिलाध्यक्ष शीतल साहू, उपाध्यक्ष कौशल साहू, जिला महामंत्री बलराम साहू ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिन्हें मंत्री मोहम्मद अकबर पार्टी की सदस्यता दिलाई। कवर्धा के कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मंत्री मोहम्मद अकबर ने साहू समाज के तीनों पदाधिकारियों को पार्टी का गमछा पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी में आने वाले पदाधिकारियों की माने तो भाजपा ने साहू समाज को कवर्धा विधानसभा में टिकट नहीं दिया, जिसको लेकर साहू समाज में नाराजगी है, जबकि कवर्धा विधानसभा में साहू समाज का लगभग 60,000 से अधिक वोटर हैं। अपने अपने कदम सब पार्टी अच्छे हैं, विचार अपने अपने होती है। चर्चा आईडी नीचे करवाना या नहीं, कोई बात नहीं, हल्ला मत करो भाई। वर्तमान में हमने जो निवेदन किए, उस निवेदन में हमारा भावना था, भावना के बदले पदाधिकारियों के बीच ऐलान किया है। भाई यदि हमारे समाज में कोई सम्मान नहीं होगा या कोई भी भाई नहीं, तो हम रास्ता बदल देंगे। एक मिनट हिला मत। जिला उपाध्यक्ष, जिला साहू संघ, माननीय कौशल साहू जी, जिला महामंत्री, आप सभी के सामने प्रवेश किया है। मैं कांग्रेस परिवार में इन तीनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इनको आश्वास्त भी करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से समाज के लिए इसके पहले हम लोगों काम करते आए हैं, न केवल समाज बल्कि हम सभी के लिए काम करने चले आ रहे हैं। नया पुराना का कोई मामला नहीं है, ये हमारे हम सम्मानित हैं और जिस प्रकार से ये काम समय समय पर बताए इनके बताए अनुसार ही हम वैसा ही काम करेंगे जैसे हमारे पुराने पदाधिकारियों के बताए अनुसार करते हैं। इनका पूरा सम्मान है और सम्मान के साथ हम इनको लेकर चले।